When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's Hello everyone, good morning. मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सब अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है अनुज कटिंग ब्लॉग्स। तो कल जो मेरे से न्यू फ्रेंड्स जुड़े हैं उन सबको थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल पर आए, आपका सबका वेलकम है। और आज मैं मतलब कोई भी इस बारे में टॉपिक पर बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने कल ही बोल दिया था कि मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। और अभी मैं किचन में खड़ी हूँ। एक्चुअली मैं किचन में ना दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा, ये वाले डब्बे है ना, आप देखिए ये डब्बे ना सारे मैंने यहाँ पर रखे, क्योंकि मैंने ना इसका स्टैंड वॉश किया था। ये वाला ना स्टैंड है, ये वॉश किया है मैंने, तो अभी इसको ना इसमें लगाने हैं मुझे। ये डब्बे सारे मुझे इसके अंदर लगाने हैं स्टैंड के अंदर। और मैंने ना यहाँ पे कुछ सब्जियाँ रखी हैं धोकर वॉश करके, क्योंकि आजकल ना सब्जियों में बहुत ज़्यादा डल रहता है, तो सब्जियाँ अभी वॉश करके रखी सूखने के लिए। जब ये सूख जाएंगी तो मैं इनको रख दूंगी। और आज ना आपको मेरी किचन ना खाली दिखाई देगी, तो ये देखिए इस शैतान की वजह से ना मैंने अपनी किचन को खाली किया है। ये देखिए क्योंकि इसके अंदर जितने भी डब्बे थे ना वो सारे डब्बे मैंने हटा दिए हैं किचन के अंदर से, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना शैतानी करते हैं, तो उनकी वजह से कुछ हरकतों की वजह से मैंने उनको मतलब आपकी किचन में कुछ भी ऐसा नहीं, आपके किचन में क्या, आपके पूरे घर में कुछ भी चीज़ आपकी मर्जी से एडजस्ट नहीं हो सकती है। सब कुछ आपके बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होती है कि आपका बच्चा कब क्या शरारत करता है उसकी वजह से। और मेरा रीज़न ये था कि मैंने यहाँ पर डब्बे रखे हुए थे कुछ अपने, जिनमें मैं राशन वगैरह का सामान रखती थी, वो डब्बे रखती थी, लेकिन मेरे बेटे को वो पसंद नहीं आए। मेरा बेटा क्या करता था, उन डब्बों को निकालता था यहाँ से और उनके ऊपर चढ़ता था एक दिन, और गैस के ऊपर मतलब स्लिप पर खड़ा हो जाता था जाकर चढ़कर। एक दिन ऐसा हुआ था कि एक दिन मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। हुआ क्या था कि मैंने किचन में ना गैस के ऊपर जवे रखे थे दूध के बनाने के लिए, और मैं गई ही थी कपड़े सुखाने के लिए कि जब तक मेरे जवे तैयार होते हैं तब तक मैं कपड़े सुखा कर आती हूँ बच्चे के, मतलब जो भी कपड़े थे घर के वो सुखा कर आती हूँ। और जब मैंने आकर देखा तो मेरे सांस ऊपर के नीचे मतलब एक साथ ऐसा हो गया, रह गई थी बिल्कुल। क्योंकि क्या था, मेरे बेटे ने यहाँ पर डब्बा लगाया हुआ था और डब्बे के ऊपर चढ़कर वो गैस के मतलब सेल्फ पे खड़ा था, जहाँ पर ये मटका है ना यहाँ पर खड़ा हुआ था। आप देख सकते हो कितना स्पेस है बस गैस पे और मटकी में, जहाँ पर मटका है ना मटके के बराबर में यहाँ पर खड़ा हुआ था। और वो जो बिजली का बोर्ड है ना वहाँ पर लग रहा था, मोबाइल का चार्जिंग का चार्जर तो उसमें लगा हुआ था वो। अगर वो किसी गलती की वजह से, अगर वो किसी वजह से इसको मतलब गैस पर जो जवे रखे हुए थे गैस चालू थी, अगर वो उसे छू लेता तो उसका क्या होता। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, बच्चों के हिसाब से करते हैं। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा आगे आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, और अभी दोपहर का टाइम हो रहा था तो दोपहर के वक्त खाना ही बनाते हैं। और यहाँ पर लवी टैडी बियर था, इसको मैंने वॉश कर दिया था, तो इसको पहना रही थी कपड़े क्योंकि उसको मन कर रहा था। इसको पहले ना अपनी टी शर्ट पहना रही थी, और उसके बाद ना इसको फिर इसने अपने पापा की टी शर्ट पहनाई, क्योंकि इसके ना गले में इसे आ नहीं रही थी इसकी वाली टी शर्ट। और अभी इसको कर दिया इसने तैयार, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा सा होता ही है कि जब गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं ना तो उनको लगता है कि कुछ नया करें इसीलिए। और यहाँ पर अपनी डॉल भी ले ली उसने, ये देखिए। और ये ना मॉर्निंग का टाइम था तो सब्जी वाला आया हुआ था, तो मुझे सब्जी लेने के लिए नीचे नहीं जाना था। एक्चुअली मैं जितना नीचे कम जाऊँ ना उतना बचना चाहती हूँ कि मैं नीचे ना जाने पाऊँ, जैसे कि अभी टाइम ऐसा चल रहा है। तो मैंने ना एक रस्सी ली थी और ये था एक थैला बैग था, तो मैंने ना ऊपर से ही सब्जी लेने का सोचा कि ऐसे ही ले लेती हूँ, क्योंकि ना आजकल बिल्कुल भी मन नहीं करता नीचे जाकर मतलब बाहर जाने का बिल्कुल भी। तो इस तरह से करके इसको मतलब खींच लेंगे इसको, तो रस्सी में सब्जी आ जाएगी मेरी ऊपर इस तरह से। तो आप लोग भी आइडिया ट्राई कर सकते हो, आपके पास अगर ऐसी रस्सी नहीं है तो आप सिंपल रस्सी भी ले सकते हो। वैसे ये वाली रस्सी ना कूड़ा मतलब दुकानों पर ना मिल जाती है। ये फिर
सब्जी वाला जो आता है ना हमारे यहाँ पर, ऐसे ही आता है सब्जी वाला। और आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके यहाँ पर भी ऐसी तरह से आते हैं सब्जी वाले गली गली, या फिर आपको मतलब मार्केट से ही खरीदनी पड़ती है। हमारे यहाँ गली में ना इस तरह से दिन में 10 बार आ जाते हैं कम से कम सब्जी वाले। और अभी मैं सब्जी ले लूँगी नीचे से। और फ्रेंड थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने प्यार करने के लिए। और मैं कुछ दिनों से आप सबकी वीडियोस पर नहीं आ पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो वो मैं रीज़न आपको आगे बता दूंगी कभी कि मैं किस वजह से नहीं रीज़न आ पा रही हूँ आप लोगों की वीडियोस पर, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और यहाँ पर सनी कर रहा था मस्ती पानी से खेल खेल कर। एक्चुअली में यहाँ पर ना नल है जो कि मैंने बाहर लगवाया हुआ है बालकनी में, छोटी सी बालकनी है मेरी, और वो पानी खोल लेता है, नल खोल लेता है, और सारा गीला हो रखा था। जितनी देर मैंने सब्जी ली ना, इतनी देर में वो सारा गीला हो गया था पानी से, सुबह सुबह के टाइम ही, क्योंकि बच्चों को ना पानी से खेलना बहुत पसंद है, और छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा शैतानी करते, बहुत ज़्यादा, इतनी शैतानी, मतलब ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा शैतानी करता है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी शैतान बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। और फ्रेंड्स आज क्या बताऊँ मैं आपको कि शनि ने इतनी शैतानी की है, इतनी शैतानी की है। और अभी ना देखिए लवी आई थी, इसको पीट कर लेकर गई थी, थप्पड़ लगा लगा कर लेकर गई थी, क्योंकि बच्चे ना मानते नहीं है, बिना मतलब कहे बिना मानते नहीं है, कहने से मानते नहीं है बच्चे बिल्कुल भी। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ। और जैसे कि मैंने अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और ये ब्लॉग जो जा रहा है थोड़ा सा लेट जा रहा है, मतलब नेक्स्ट डे जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और अब शाम का टाइम होने वाला है, तो मैंने हस्बैंड को बता दिया कि शाम को थोड़ा सा कुछ लेते आना। और फ्रेंड्स ये ना रात का टाइम था, उसके बाद मैंने रात को ही देखा था सीधा, और मैं रात को वीडियो बना रही थी। एक्चुअली में क्या था ना, मैंने सोचा था कि आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है तो मैं बाहर से कुछ मंगा लेती हूँ, इनसे ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैंने फिर सिंपल खाना घर पर ही बना लिया था, राजमा चावल। और अभी मैं बर्तन क्लीन कर रही थी तो लवी मेरे पास ही बैठी हुई थी, और लवी तो तब से बहुत ही ज़्यादा खुश है, जब से उसने सुना है ना कि मम्मी का चैनल मोनेटाइज हो गया है, तब से वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि हमसे ज़्यादा खुशी ना बच्चों को है। और अभी आप लोगों से एक बात और करनी थी मुझे कि कुछ लोग कितने दोगले होते हैं, ये बात मुझे आज समझ में आई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं और सामने से आकर मुझे मतलब बोलते हैं कि आप अच्छे हो ये वो, और पीछे से जाकर, पीठ पीछे जाकर वही लोग जाकर बुराइयां करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे कभी भी। ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहिए हमेशा। और यहाँ पर ना मैं दूध बना रही थी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बच्चों का ही दूध बना रही थी, क्योंकि बच्चों का भी, इन्होंने तो मना कर दिया था, बच्चों का ही दूध बना रही थी। तो बच्चों के दूध में भी मुझे दो तरह का दूध बनाना पड़ता है, एक के लिए सिंपल और एक के लिए बॉर्नविटा वाला, क्योंकि छोटी वाली बेटी है ना मेरी, वो तो बॉर्नविटा वाला पी लेती है, लेकिन बड़ी वाली बेटी है वो बॉर्नविटा वाला दूध नहीं पीती है। और अभी उसके बाद ना मैं हल्दी वाला दूध बनाऊंगी। और आजकल ना जैसे मौसम चल रहा है ना, तो इसमें ना गला ख़राब हो रहा है सभी लोगों का ज़्यादातर, तो उसके लिए मैं बताऊंगी आपको, कच्ची हल्दी अगर आपके घर में है तो कच्ची हल्दी का दूध बना सकते हो, कच्ची हल्दी और अदरक डालकर। तो मैंने भी अभी ना कच्ची हल्दी और अदरक वाला ही दूध बना रही थी, ये अदरक है और थोड़ी सी हल्दी है, तो इसमें से मैं थोड़ी सी हल्दी लूँगी, ये हल्दी ली है। और उसके बाद इनको कूट लेना है अच्छे से, अगर आप कद्दूकस करना चाहते हैं कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही डालना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और इसको मैं हल्दी डाल मतलब बना लूँगी, और उसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है,
उबालना है। तो हल्दी वाला दूध मेरा बनकर तैयार हो गया, और ये मैंने कटोरी चम्मच ले लिया है सनी को थोड़ा सा दूध पिलाने के लिए, क्योंकि वो बॉटल से दूध बिल्कुल भी नहीं पीता है। और यहाँ पर रखे हुए थे मेरे कुछ डब्बे जो कि मैंने वॉश किए थे, मैंने आपको बताया था ना कि वो डब्बे मैंने वहाँ से हटा दिए, तो अभी मैंने ये डब्बे खाली कर लिए थे और वॉश भी कर लिए थे। तो फ्रेंड्स अभी मैं मतलब रात का टाइम है और अभी मैं सोने के लिए आ चुकी हूँ इधर वाले रूम में, क्योंकि अभी ना हम लोग एसी चला कर नहीं सोते हैं, क्योंकि एसी ना थोड़ा हार्मफुल होता है। सुना है मैंने कि ऐसे टाइम में ना, अभी जो कोरोना चल रहा है, तो इस टाइम में ना हम लोग एसी चला कर नहीं सोते, एसी चला कर सोना चाहिए और एसी चला कर नहीं सोना चाहिए मतलब। और कूलर चलाते हैं तो कूलर भी ना हम रात को बंद कर देते हैं उठ के थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि थोड़ा रूम ठंडा सा हो जाता है ना, तो उसके बाद ही। और मैं इधर वाले रूम में ही सोती हूँ। और मैं बोल रही थी ना कि हम पार्टी करेंगे या कुछ, मतलब बच्चों के लिए कुछ मंगाऊंगी बाहर से कुछ। तो जब ये ऑफिस से आए थे ना, तो सारी मार्केट मतलब बंद थी, कुछ भी नहीं मिला था, कुछ भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में अभी इस टाइम पर। तो मैंने कुछ भी नहीं मंगाया था, बस घर पे ही खाना बना लिया था, राजमा चावल बनाए थे बस, और बाकी कुछ नहीं किया था। और ये डब्बे देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये सारे डब्बे ना आज मैंने वॉश कर दिए थे, और इन सबको ना मैं आज हटा कर रख दूंगी यहाँ से सबको, क्योंकि सनी बहुत परेशान करता था, इन पर चढ़ चढ़ कर बहुत परेशान करता था। तो जब हम बच्चे छोटे होते हैं ना, तो सब कुछ बच्चों के हिसाब से ही होता है घर में, अपने हिसाब से हमारा कुछ भी नहीं होता है। आप देख सकते हो सनी बहुत ज़्यादा शरारती, बहुत ज़्यादा, बहुत शैतानी करता है। और इन सारी शैतानियों में मतलब घर को सब कुछ मतलब मैनेज करके रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। और जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो सारे ही बच्चे घर के अंदर हैं, सारे ही बच्चे। और बस इतना ही मुझे आप लोगों से कहना था, और तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। आज तो बस मैंने ऐसे ही व्लॉग बना लिया था, ये छोटा सा, मतलब छोटा सा जो भी बना है, जितना भी बना है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे करना तो कुछ और था, लेकिन फिर मैंने सोचा आज मेल आ गया है, तो मैं सबसे पहले ये वाली वीडियो डाल देती हूँ। और अभी मैं एक वीडियो और बनाना चाह रही थी, कहना था। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।